भाई बेटा, आपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम बच्चों से जो भी बैठ के सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देखो आपने अभी अपने सेकंड ईयर के पेपर्स की तैयारी इतने अच्छे तरीके से करनी है कि आपको इसके बाद सेकंड ईयर शायद पढ़ने का दोबारा टाइम ना मिले। आपने सोच के तैयारी करनी है भाई, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट सेकंड ईयर मैथ्स के सारे फॉर्मुलाज, हर चैप्टर में जो फॉर्मुलाज आ रहे हैं उनको अलग अलग शीट से लिख के तो बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो ना। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सेकंड ईयर के जो एमसीक्यूज हैं भाई, सेकंड ईयर के अंदर भी मैथ्स हमारे 40% एमसीक्यूज तो आएंगे ना, तो एटलीस्ट उन 40% एमसीक्यूज के लिए तो तैयारी करोगे बैठ के। तैयारी कर रहे हो ना उनको बैठ के, तो तरीके से कवर करोगे उनको बैठ के। कैसे कवर करोगे? अच्छा, मैथ्स के एमसीक्यूज के लिए अगेन मेरी मैथ्स के एमसीक्यूज की जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो अप कीजिएगा। उसमें सारे कॉलेजेस के पेपर्स के एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवा रहा हूँ, साथ साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करवाए हैं उनको भी फॉलो अप करिएगा। उसमें सारी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने कवर करवाए हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई इसी तरीके से सेकंड ईयर फिजिक्स आ गया। सेकंड ईयर फिजिक्स के सारे फॉर्मुलाज, सारी डेरिवेशन, बेसिक न्यूमेरिकल जो है तुम्हारी किताब में मौजूद है, जो तुम्हारी नोट्स में मौजूद है, जो तुम्हारे पास पेपर में मौजूद है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो काम तो कर सकते हो ना भाई, कि अपने सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल्स को, कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लो, पिक कर लो। बेटा ये बात जहन में रखिएगा कि आपके पेपर्स खत्म होंगे आई गेस 4th of July या 5th of July को पेपर एंड हो रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4th July को शायद आपका लास्ट पेपर है। 4th July के बाद से लेके 30th August तक कितना टाइम बचता है? मुश्किल से 26 दिन बचते हैं, 25 दिन बचते हैं मुश्किल से। तो इन 25 दिन के अंदर आप क्या करोगे? आपने वहां पे फिर फर्स्ट ईयर को ज्यादा टाइम देना होगा। बेटा क्यू स्मार्ट हॉट अपना नाम काइंडली चेंज कर लो, अदरवाइज मैं ग्रुप से निकाल दूंगा यहाँ से। जो भी आपका ओरिजिनल नेम है उससे रीनेम करो अपने आप को मेरा बेटा, अदरवाइज आई विल बी रिमूविंग यू। मैंने भी देखा नहीं है, मैं भी बारी बारी चेक कर लेता हूँ बच्चों को भी। द पॉइंट इज दैट कि भाई जो जिस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई भी होती है काइंडली उसी नाम से एंटर किया करें, किसी और नाम से मत आया करें, क्योंकि मेरे पास लिस्ट मौजूद होती है भाई रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों की। अगर तो कोई एक्स्ट्रा बच्चा है तो मुझे पर्सनल पे बता दिया करो, मैं फिर मना नहीं करूंगा। बट इस तरीके से अगर कोई दूसरा आके कर रहा है तो मेरा बेटा मुझे एटलीस्ट बता दिया करो पहले, क्लियर है? अच्छा, द पॉइंट इज दैट कि मैं किस बात को कह रहा था आप लोगों से भाई, देखो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं सेकंड ईयर को लेके, आप लोगों ने क्या करना है मेरा बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो जितना ज्यादा आप टेंशन लोगे उतना टेंशन में मरोगे, सिंपल सी बात है, ये बड़ा बेसिक सी दुनिया की फिलॉसफी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्या है, कुछ भी नहीं करना, अपने आप को थोड़ा प्रेशर रिलीज करो, सेकंड ईयर की तैयारी अच्छे से करो। जब तुम सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हो ना, तुम्हारी एनईडी की, दाऊद की, मेहरान की, केयू की, सबकी तैयारी ऑलरेडी वैसी होती जा रही है, क्लियर है मेरा बेटा? सेकंड ईयर अच्छे से कवर कर लो। जब तुम सेकंड ईयर अच्छे से कवर कर लोगे तो पेपर्स के बाद तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा फिर फर्स्ट ईयर कवर करने का, क्योंकि फिर सेकंड ईयर का टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। तो वहां पे फिर आपको जस्ट गो थ्रू कर रहे होगे आप। अच्छा, एक और चीज जो मैं तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा कि यार देखो सेकंड नंबर के ऊपर जो इम्प्रूवर्स वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने सोचा था क्लास के एंड में बात कर लूंगा, बट चलो अभी बात स्टार्ट कर ही दी है तुम लोगों ने तो अभी कर लेता हूँ। भाई इम्प्रूवर्स वाले जो भी बच्चे हैं तो मेरा बेटा आपने परेशान नहीं होना। आपके पास जो ये टाइम होगा, जिस टाइम में मैं दूसरे बच्चों को ब्रेक दूंगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे के बाद मैं ब्रेक दे दूंगा 5th of July तक, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास जो बच्चे होंगे उसके अंदर मेजोरिटी बच्चे चूंकि इंटर के होंगे तो वो फिर नहीं होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है लाइव क्लास लेने का फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो इम्प्रूवर्स के जो बच्चे हैं हो सकते हैं 15 हों 20 हों, सही है? मेरे पास इस बैच के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 120 या 110 बच्चों की स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो पॉइंट इज दैट कि 15 या 20 अगर इम्प्रूवर्स वाले बैठे हुए हैं तो भाई आपका जो ये टाइम है ना, आपका गोल्डन पीरियड है। मुझे बहुत सौ के नाम मालूम है, नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा मुझे मालूम नहीं है, मैंने बहुत सौ खुद से एडमिशन दिया तो रेट सिंपली मीन्स आई नो देम पर्सनली। द पॉइंट इज दैट कि भाई देखो आपका जो टाइम है ये टाइम गोल्डन पीरियड होगा, जिस टाइम के अंदर दूसरे बच्चे गैप लेके बैठे हुए होंगे आराम से, सही है? वो जो करंटली सेकंड ईयर वाला बच्चा है वो सोच रहा होगा शायद सर ने जो है ना गैप दिया हुआ है,
तो भाई इम्प्रूवर्स वाला क्या कर रहा है। तो ये जो टाइम है ना आपका गोल्डन पीरियड है, इस टाइम को अगर तुमने यूटिलाइज कर लिया बेटा, मैं लिख के मैं यहाँ पे बैठ के गारंटी देता हूँ आज की तारीख के अंदर। क्या तारीख है आज की? आज की तारीख है मेरे ख्याल में 8 जून। हाँ 8 जून। तो भाई अगर आपने इस टाइम को तरीके से यूटिलाइज कर लिया, आप इजिली एनईटी के किसी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में बैठे हो इंशाल्लाह। आपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है? आपने कोशिश ही करनी है कि भाई जो टॉप लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिए उनको तो सॉल्व कर ही लोगे ऑब्वियसली, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा पिच पे जाना है। एक्स्ट्रा पिच पे कैसे जाना है कि भाई मैं केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। सही है, फिजिक्स का लिंक आपको मालूम है, केमिस्ट्री का लिंक आपको मालूम है, केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा सर साथ के, यानी कि साथ भाई जो हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं आपको दे दूंगा। यानी कि मैंने और तो आपसे केमिस्ट्री की डील नहीं की हुई थी, बट स्टिल मैं मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ इस 4,500 रुपीज में इसके ऊपर भी आपको उसको मैनेज करवा दूंगा। सही है, द पॉइंट इज दैट। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो मैथ्स के टॉपिक्स मैंने नहीं भी पढ़ाए हैं ना भाई, यूट्यूब के ऊपर मुझसे पूरी दुनिया पढ़ती है, तो आप उन लेक्चर्स को जाके वहां से कवर कर सकते हो। यानी कि लेट सपोज मैंने डोमेन एंड रेंज नहीं पढ़ाया हुआ, लेट सपोज मैंने आपको अभी तक फंक्शंस नहीं पढ़ाया हुआ, लेट सपोज मैंने कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ाया हुआ होगा, भाई जाके उनको कवर करोगे, उनके बैठ के पास पेपर सॉल्व करोगे, और जो आपका ग्रुप है उस पर जहां मसला आएगा वहां मुझसे पूछते जाओगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ये आपका गोल्डन पीरियड होगा, और फिर जब मैं लाइव क्लासेस के अंदर उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली वो चीज आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि भाई एक चीज जब आपने पढ़ी हुई है तो आप चीज को और अच्छे तरीके से ग्रैप कर पाओगे। तो वो जो इंप्रूवर वाला बच्चा होगा ना उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा? गोल्डन पीरियड होगा, खाली उसने उसको यूटिलाइज करना है। अगर आपने इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज नहीं कराना, इसका मतलब आपसे बड़ा कोई नल्ला नहीं है। अल्लाह ने आपको एक और चांस दिया, अगर आपने उस चांस को यूटिलाइज नहीं करा तो फिर आपके लिए सबसे बड़ी मेहनती बदकिस्मती होगी जो भी इंप्रूवर्स के बच्चे बैठे हुए। तो भाई आपने इस टाइम पीरियड के अंदर जो आपके पास आई गेस आ रहा होगा, मैं 11th of June से अगर ऑफ करता हूँ कब तक, 5th of July तक, तो आपके पास अराउंड 26 डेज या 20 डेज या 25 डेज आपके पास यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन 25 दिन में आपने कोशिश ये करनी है कि तकरीबन 60-70% एप्टीट्यूड खुद से आपने कवर अप कर लेना है, और साथ साथ आप टेस्ट देते जाओगे। अच्छा, टेस्ट कैसे दोगे? मैं आपको टेस्ट के मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है उसके अंदर भी, बट मैं उसके ऊपर भी दूसरे टीचर से बात कर लूंगा, दूसरे टीचर्स के साथ कि भाई क्या कहते हैं आप लोग। अगर आप लोग कहते हैं कि पहले प्रोवाइड कर दें जो सही है, नहीं तो फिर आपको बच्चों के साथ ही प्रोवाइड कर रहे होंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि आपके पास जो गैप का टाइम होगा उस टाइम के अंदर भैया आप क्या कर सकते हो, आप सारे लेक्चर को कवर अप कर सकते हो, और फिर जब लाइव क्लासेस में वही लेक्चर पढ़ाए जा रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए एक एडवांटेज होगा, आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी कि यार आपने एक चीज कवर भी करी हुई है, उसको लिखा हुआ भी, अब खाली बैठ के एक बार दोबारा से उसको रिवाइज हो रहा होगा, तो रिवीजन आपका वहां से हो जाएगा, एक एक बार सारी चीजों का क्लियर है मेरा बेटा। तो ये गैप वाले बच्चों के लिए मेरी खास हिदायत है। और बाकी जो मेरे पास सेकंड ईयर के हमारे छात्र बैठे हैं, तो आपने भी परेशान नहीं होना मेरा बेटा, आपने कोशिश ये करनी है कि अभी सेकंड ईयर के ऊपर फुल जान मार दो। जब ये लोग गैप में काम कर रहे हैं तो आपने इस टाइम में सेकंड ईयर इतने अच्छे से करना है, इतने अच्छे से करना है, सिर्फ सेकंड ईयर करो, और कि आपको बाद में इसको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ सेकंड ईयर रिवाइज करो, मगर तरीके से रिवाइज करो। तरीके से रिवाइज करने का मतलब क्या है कि उसके डेरिवेशंस को, न्यूमेरिकल्स को, फॉर्मूलास को, इक्वेशंस को तरीके से करो। इस तरीके से करो कि भाई बाद में ये सोचते हुए करो कि यार ये बाद में जो 9 चैप्टर है मैथ्स के शायद मुझे दोबारा देखने का मौका भी ना मिले, ये सोच के रिविजन करो, आजकल बैठ के प्रैक्टिस करो। रोज दिन में एक टाइम रखो अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस का। देखो मेरा बेटा, मुझे एक बात पता चली थी, फजील बैठा हुआ यहाँ पे कहीं पे। हाँ भाई फजील, कहाँ मेरा बच्चा फजील? मेरे ख्याल में फजील यहाँ पे है नहीं। बहरहाल मुझे एक बात पता चली थी कि भाई हमारे कुछ मासूम छात्र जो हैं, वो मासूम छात्र क्या कर रहे हैं, वो मासूम छात्र बैठ कर प्रैक्टिस नहीं करते। सही है भाई, तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे मेरा बेटा? देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप ये समझते हो कि सिर्फ आप सॉल्यूशंस को देख के आपको समझ में आ गया है। बहुत से बच्चे जो है ना आइंस्टाइन की औलाद होते हैं, वो समझते हैं उनके वाले साहब का नाम शायद आइंस्टाइन था, तो अगर वो मैथ्स के या फिजिक्स के क्वेश्चन को सिर्फ देख लें, सिर्फ एक नजर क्या करें, देख लें तो पेपर में कर लेंगे। बेटा ये ब्लंडर कभी दुनिया में मत करना, ये ब्लंडर होता है, ब्लंडर कहते हैं मिस्टेक से या गलती से बड़ी वाली चीज को, तो ये ब्लंडर है। क्योंकि अगर आपने ये हरकत करी और आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भी अपने सेकंड ईयर के मैथ्स की रोज, तो आपको घंटा पेपर में कुछ नहीं समझ में आएगा करना क्या है। सो द पॉइंट इज दैट कि मेरा बच्चा अभी कोशिश करें कि इंटर को बहुत अच्छे से कवर करें, जो रेगुलर बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं। सही है, इम्प्रूवर्स वाली बात को लेकर अगर आप में इसको परेशान हो रहे सर इनके पास तो इतना टाइम होगा, हम क्या करें हम क्या करें, भाई आप इसमें अकेले नहीं हो। इम्प्रूवर्स के बच्चे हमेशा खाली 1% होते हैं टोटल आबादी का, इम्प्रूवर्स के बच्चे खाली 1% बच्चे होते हैं टोटल आबादी का, बाकी 99% बच्चे जो होते हैं वो रेगुलर के हमेशा नए बच्चे ही होते हैं। तो आपको बिल्कुल आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं कहलाओगे कि सर हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो गैप का टाइम ही नहीं है। मेरा बेटा कोई मसले की बात नहीं, गैप का टाइम नहीं है, तो भाई आप इंटर को भी फोकस करो ना मेरा बेटा, आपका जो एप्टीट्यूड आएगा वो सेकंड ईयर से थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों के जहन में आता है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन भी दिख रहा है, सर सेकंड ईयर के एमसीक्यूज तो बहुत ईजी होते हैं, अगर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो एप्टीट्यूड कैसे होगा? वेरी गुड क्वेश्चन मेरा बच्चा। देखो
एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आसमान से उतर के नहीं आते हैं, वो सेकंड ईयर से ही आते हैं, उसमें से बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, आपको क्या लगता है कि मैंने जिंदगी में मैं अपनी पर्सनल लाइफ बहुत कम शेयर करता हूँ, बट मैं चलो एक चीज आपको समझाने के लिए बताता हूँ, आप में से किसको लगता है मैंने जिंदगी में मैंने कभी ईकेट की तैयारी करी होगी? एनीवन जिसको लगता होगा मैंने ईकेट की कभी तैयारी करी हो, मतलब अपने जमाने में शायद मैंने ईकेट के बारे में पढ़ा हो या मैंने ईकेट की तैयारी करी हो, आज मैं ईकेट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एनीवन किसी को लगता है कि मैंने ईकेट पढ़ा होगा? वेरी गुड, चार लोगों ने कहा लगता है आपको, वेरी गुड। मेरा बेटा मैंने कभी ईकेट मैथ्स नहीं पढ़ी, सही है मैंने कभी ईकेट नहीं पढ़ी जिंदगी के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बीकेट जरूर तैयारी करी थी, आईबीए ग्रेड्स का डायरेक्टर तभी तलाल भाई आज भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे उस्तादों में से उस्ताद जिन्होंने मुझे जीने का हुनर सिखाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी ईकेट नहीं पढ़ी, मैंने कभी ईकेट नहीं पढ़ी। अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने बीकेट की तैयारी जरूर करी थी, आईबी की तैयारी, तभी मैं आईबी से ड्रॉप आउट हुई। आईबी से ड्रॉप आउट यानी कि मुझे सोशल साइंसेस का मिला था बट मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मेरी वो पसंद भी नहीं थी और फैमिली प्रेशर भी इतना ज्यादा था कि मेरे फादर भी इंजीनियर है, मेरी मदर भी इंजीनियर है, मेरे दो बड़े भाई हैं अलहमदुलिल्लाह, दोनों बड़े भाई इंजीनियर हैं। द पॉइंट इज दैट कि मैंने कभी ईकेट नहीं पढ़ी मेरा बेटा, मैं स्टिल आज ईकेट खड़े होकर पढ़ाता हूँ, अनीस हुसैन में पढ़ाता हूँ, आईबी ग्रेड्स वाले मेरे पीछे पड़े हुए हमारे पास आके पढ़ाओ, क्योंकि आईबी ग्रेड्स वाले तो बहुत अच्छी बातचीत है, मेरे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट है अलहमदुल्ला मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो द पॉइंट इज दैट कि मैंने खुद कभी ईकेट नहीं पढ़ी थी। आप जानते हो मैंने ईकेट कहाँ सीखी, मुझे सेकंड ईयर के मेरे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे ईकेट वैसे ही पता थी क्या करना है उसके अंदर। सर वो ट्रिक्स कैसे आपको आती थी? बेटा ट्रिक्स उस वक्त आती है जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपकी बेस नहीं बनी हुई होगी, तो कोई ट्रिक आपका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ट्रिक्स कभी आपकी हेल्प नहीं करती अनलेस एंड अंटिल आपके पास बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग ना हो, आपकी बेस ना बनी हुई हो। तो अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है ना शायद ईकेट के एमसीक्यू ज्यादा टफ होते हैं और सेकंड ईयर के बहुत ईजी होते हैं, गलत सोचते हो, बिल्कुल गलत सोचते हो। बेटा तुम लोगों की वजह से कोचिंग वालों का धंधा चलता है, तुम लोगों की कोचिंग वजह से मेरे पास अभी नस्ट का नीपा के अंदर नस्ट 8 का बैच एक लास्ट मुझे मिला हुआ है, और दो और बैचेस भी है बट नस्ट 8 का जो बैच मिला हुआ है उस बैच में देखते देखते 150 बच्चा आ गया, देखते देखते सबसे लास्ट का बैच था, ए लेवल्स का बैच था, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट में 99% बच्चे जो बैठा हुआ है इंटर का बैठा हुआ है, यकीन करो इस बात को, 99% बच्चा इंटर का बैठा हुआ है, और देखते देखते वहां पे 150 बच्चा आ गया पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा वहां पे जो है ना बच्चा बेवकूफ है, हमारा जो मुल्क का बच्चा वो बेवकूफ है, जंगली है, उसको माँ बाप के पैसे हराम करने से सिर्फ और सिर्फ। मैं वहां पे खड़े होकर तो ऑब्वियसली बात नहीं कर सकते, बट मैं स्टिल अपने स्टूडेंट्स को लाजमी बताता हूँ, वो जो बच्चा है ना वो है बच्चा है जिसको कुछ पता ही नहीं है, उनके जहनों में बिल्कुल आपके जैसा कॉन्सेप्ट है कि भाई ईकेट कोई अलग चीज है। नहीं, अगर आपके सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, बिलीव मी कोचिंग वालों के धंधे बंद हो जाएंगे भाई, धंधे बंद हो जाएंगे लोगों के। मैं इसलिए इसके खिलाफ बात करता हूँ, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी लोगों की कहानियां भी देखी है कि किसी के बाप ने अपनी एक उसके बाद बाइक थी, उसने वो बाइक बेच दी कि मेरे बच्चे का अनीस हुसैन में एडमिशन हो जाए तो शायद वो किसी अच्छी जगह पे चला जाएगा। सिर्फ वो अच्छी जगह पे जाने के लिए उसने घर की एक जो अकलौती सवारी थी वो बेच दी 40,000 रुपए के अंदर। ये मेरे साथ का लड़का है जो आज मेरा बैचमेट है, उसके कहानी मुझे पता चली, तो उसने मुझे बताया था कि हाशिम अब बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई थी कि मेरे फादर ने मेरी अपने घर की अकलौती सवारी बेच दी थी, और मेरा बाप बस पे जाता था, मैं ऑफिस क्लर्क था, उसके फादर से बस पे जाते थे, क्यों बेची थी? कि उसका बच्चा जो है ना एक अच्छे कोचिंग में जाएगा, अच्छे कोचिंग से जाके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई आप में से जो बच्चा सोचते हैं ना कि सेकंड ईयर के एमसीक्यूज से मुश्किल आते हैं, देखो अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है आप हर तरह का एमसीक्यूज मुश्किल सॉल्व कर सकते हो। यही बात मैं अब आपको इंटीग्रेशन के टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, जो इंटीग्रेशन टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे होंगे। जहां तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, मेरे पास एक क्वेश्चन बाखुदा बेतहाशा पर पूछा जाता है, सर वो कुछ इंपॉर्टेंट बता दें। बेटा यूनिवर्सिटी लेवल पे जब तुम आओगे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई अनइंपॉर्टेंट नहीं होता मेरा बेटा। मैं अगर आपको मजे की बात बताऊं तो मेरा बच्चा हमारा जो यूनिवर्सिटी में टेस्ट होता है ना, दुनिया भरी किसी भी किताब से आ सकता है, कोई किताब भी हमें डिफाइंड नहीं होती, हमें चार पांच किताबें एग्जामिनर बता देते हैं कि लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एग्जामिनर ने बोल दिया कि थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है, थर्मोडायनेमिक्स पेपर में एमसी कॉनली की किताब भी आ रही है, टीडी एस्टप की किताब भी आ रही है, और तीन चार उसने मुश्किल मुश्किल अजीब अंग्रेजों के नाम ले लिए, सर के ऊपर से नाम भी सर के ऊपर से जा रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि मेरा बेटा पॉइंट इज डेट मेरा बेटा कि हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कहाँ से आएगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट चाहिए होगा? आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है। द पॉइंट इज डेट कि इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट कुछ अलाउ नहीं होता किसी भी जगह के ऊपर, मींस आपको नहीं पता आपका पेपर कहाँ से आएगा। मैं इसकी बहुत दफा एग्जांपल देता हूँ नस्ट के पेपर से, या नस्ट के पेपर के अंदर जो नस्ट का नेट 2 था उसके अंदर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन आपकी कई किसी कोर्स की किताब में मौजूद नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई बच्चे मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं सर वो थ्योरी ज्यादा आएगी या न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं? बेटा कंप्यूटराइज टेस्ट होगा आपका, आपका टेस्ट कैसा होगा? कंप्यूटर के ऊपर जाके बैठोगे, अपना रोल नंबर डालोगे कंप्यूटर के ऊपर, जब कंप्यूटर पर रोल नंबर डालोगे तो रोल नंबर डालने के बाद
कंप्यूटर अपनी मर्जी के, उस कंप्यूटर के पास मेमोरी होगी, उस मेमोरी से अपनी मर्जी के कोई 100 क्वेश्चन उठा के आपके मुंह पे देके मार देगा। उन 100 क्वेश्चन से आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपका पेपर कहाँ से आएगा। अच्छा, आज से पहले क्या होता था, आज से पहले जब हैंड रिटन पेपर होता था ना, जब पेपर हैंड रिटन होता था, जो OMR शीट, मैंने आपने देखा होगा अगर आप में से किसी ने मेरी OMR शीट वाली वीडियो देखी है, मैंने उस वीडियो के स्टार्ट में एक बात करी है, बेटा ये आजकल के टीचर परेशान हो रहे हैं OMR शीट को लेकर। हम तो जब से एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, एप्टीट्यूड में तो होती है OMR शीट थी, चाहे एनईडी हो, आप में से किसी के बड़े बहन भाई एनईडी में मौजूद है, उनके बाद मालूम होगी भाई उन्होंने टेस्ट OMR शीट पे दिए हैं। हम तो टेस्ट OMR शीट पे देते थे, जो IBA का टेस्ट होता है OMR शीट के ऊपर होता है, NUS का टेस्ट होता है OMR शीट के ऊपर होता है, सारे टेस्ट होती है OMR शीट के ऊपर थे। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई जब वो हैंड रिटन टेस्ट होता था ना, तो सबका पेपर एक ही बनता था, पूरी आवाम का पेपर एक बनता था। जब एक पेपर डिजाइन होता था ना, उसके अंदर चांसेस होते थे यार हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हो सकता है, उसके अंदर ये चांसेस होते थे। अब आपका पेपर पता है कैसा होगा, कंप्यूटराइज पेपर होगा। कंप्यूटराइज पेपर के अंदर जो कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर का बैंक है क्वेश्चन का, उसके अंदर हजारों क्वेश्चन सब्जेक्ट के फीड किए हुए हैं। जब आप अपना रोल नंबर डालोगे, भाई तुम CIS करने NET जा रहे हो ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने, तो NET के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं आपसे ज्यादा तेज हैं, तो उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना के NET को दे दिए कि भाई बच्चा जब कंप्यूटर पे बैठेगा, अपना रोल नंबर डालेगा, तो जैसे ही उसका टेस्ट ओपन होगा, कंप्यूटर अपनी मर्जी के, वो सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी के उस बैंक से कहीं से भी हर सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन निकाल के उसको दे देगा, और उन 25-25 क्वेश्चंस के ऊपर आपका पर्टिकुलर टेस्ट आ रहा होगा। अच्छा।